language of quantum physics, it is empty. But in the language of consciousness, it is overcrowded. It is so much overcrowded कि वहां चलना मुश्किल हो रहा है, धक्का लग रहा है, हल्का सा आगे जाओ, इधर से को घटना आ रही, इधर से वो घटना आ रही, क्या है कबाड़ा। तो उसको जब लेट गो करना शुरू किया तो उसके बाद गहरी चेतना में प्रवेश और करना शुरू किया। तुम्हारे अंदर यूनिवर्स है, यू ट्रेवल इन द यूनिवर्स, यू बिकम एस्ट्रोनॉट। शिव योगी इज एस्ट्रोनॉट, वो एक एक डायमेंशन के अंदर प्रवेश करता है। जो पृथ्वी है, पृथ्वी का हर कोना में वो भ्रमण कर सकता है, ही कैन ट्रेवल। आई एम नॉट जोकिंग, दीज आर द कैपेबिलिटीज यू आर हैविंग। यू कैन ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस सूक्ष्म शरीर से, एंड नॉट ओनली दैट, यू कैन सी एग्जैक्टली। आप वहां खड़ा होके वो सब कुछ प्रत्यक्ष देख सकते हो, किसी के यहां भी जा करके। यू कैन एंटर इन टू हायर डायमेंशंस, और बाहर नहीं जाना, तुम्हारे शरीर के अंदर ही है। वेदों में लिखा है, शिव योगियों ने कहा है, मूलाधार में भूलोक है, स्वाधिष्ठान में भूर्वलोक है, मणिपुर में स्वर्गलोक है, अनाहत में जनलोक है। स्वर्गलोक, अनाहत में महरलोक है, विशुद्धि में जनलोक है, आज्ञा चक्र में तपलोक है, सिद्धलोक, और सहस्रार में ब्रह्मलोक है, जहां परमात्मा का वास होता है। उसी तरह से मूलाधार से जो नीचे का हिस्सा है, जांघों से लेके घुटने पैरों तक, वो पाताल के साथ लोक है। पाताल, धरातल, तलातल, सुतल, वितल, तल, वो सब, ये पूरा यूनिवर्स का जो पाताल और ऊपर ब्रह्मलोक तक, ये शरीर के अंदर ही है। ये पूरा शरीर जो आपको दिया है परमात्मा ने, इसे माइक्रो यूनिवर्स, इस मैक्रो यूनिवर्स में इट इज अ माइक्रो यूनिवर्स। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि तुम्हारे एक एक सेल में भी वो पूरा यूनिवर्स है, माइक्रो माइक्रो यूनिवर्स।